मुबारक मंडी में है इस टाइम हम लोग आपको मुबारक मंडी दिखा रहे हैं पूरी की पूरी। और उसके साथ साथ हमारे साथ कुछ डोगरी सिंगर्स भी हैं जो डोगरी में आपको जो है संगीत सुना रहे हैं अपनी मधुर आवाज़ में। साथ साथ में मुबारक मंडी आप देख सकते हैं, ये इस टाइम हम आपको अंदर ले आए हैं मुबारक मंडी के अंदर। अगर हम गोल घर की बात करें तो गोल घर एक सबसे जो है अट्रैक्टिव बिल्डिंग अगर बात की जाए तो मुबारक मंडी कहा जाएगा। मुबारक मंडी में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं। अगर हम बात करें डोगरा हॉल कॉम्प्लेक्स, उसके साथ साथ पिंक पैलेस जो हमने कुछ देर पहले आपको डोगरा आर्ट म्यूज़ियम भी दिखाया था, उसके साथ साथ रॉयल कोर्ट बिल्डिंग भी है यहाँ पे, और गोलघर कम्प्लेक्स है जहाँ पे इस टाइम हम हैं। इसके साथ साथ नवा महल है यहाँ पर, और रानी चाड़की महल भी है, हवा महल भी है, तोशाखाना पैलेस भी है, और उसके साथ साथ जो है शीश महल भी है। ये सब जो है महल हैं अगर हम बात करें मुबारक मंडी की, जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा। अगर हम बात करें हमारी यंग जनरेशन की, तो यंग जनरेशन को इस मुबारक मंडी के बारे में नहीं पता। हम आज आपको सबसे पहले यू फॉर यू वॉइस पे मुबारक मंडी दिखा रहे हैं। इससे पहले किसी भी वेब पेज ने लाइव मुबारक मंडी नहीं दिखाया होगा। ये आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत धरोहर हमारी मुबारक मंडी, जिसकी बदकिस्मती है कि वो जम्मू कश्मीर सरकार के पास है। अगर हम बात करें कि गैलरीज़ यहाँ पे जो बनी हुई है सारी की सारी, ये गैलरीज जो है ऑफिशियल्स फंक्शंस के लिए यूज़ की जाती थी, और जितनी भी सेरेमनीज़ होती थी वो यहाँ पर होती थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टेज टाइप भी बनाया हुआ है। ये स्टेज से जो है शायद कुछ सेरेमनीज़ या फिर कुछ ऑफिशियल्स के फंक्शन होते थे जो होते थे, और ऊपर से इन गैलरीज से जो है बाकी जितने भी ऑफिशियल थे महाराजा के वो विटनेस करते थे इस सारे प्रोग्राम को। हमारे साथ शिवांकु भारती भी हैं, हमारे साथ सरस भी है। हम उनसे ही पूछते हैं कि पहले कभी वो आए हैं यहाँ पर। शिवांकुर, कभी मौका मिला यहाँ अंदर आने का? नहीं भैया, यहाँ तक तो मैं नहीं आया हूँ। हम लोग पीछे से उस जगह से होके गुजर गए थे, लेकिन यहाँ तक कभी नहीं आया हूँ। लेकिन ये आज देख के मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि उस तरह के लोगों को में भी इतना मतलब वो लोग इतने एक्यूरेट हुआ करते थे कि जिस तरह से ये स्टेज बनाया है। हम लोग को तो अभी तक तो यही लग रहा है कि ये एक स्टेज है, और सराउंडिंग में यहाँ से लोग बैठ के जिस तरह हम देखते हैं कि वो फ्रेंच थिएटर्स होते हैं, बड़े बड़े स्पेनिश थिएटर्स होते हैं, उस तरह का ये थिएटर का एक कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे। तो ये लोग उस टाइम भी कितने क्रिएटिव होते थे कि जो इस तरह का इनोवेशन इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो इस चीज़ को बाहर लाना चाहिए, इस चीज़ का ये यहाँ पड़े पड़े सड़ रही है, डैमेज हो रहा है ये चीज़। तो हमने जैसे आज हम लोग यूथ आज पहली बार यहाँ आ रहे हैं, तो हम लोगों ने नहीं देखा है, तो इसका फ़ायदा क्या है? ये सिर्फ शिवांकुर का ही कहना नहीं है, अगर आप लोग हमारा लाइव देख रहे हैं तो आप लोगों ने भी ये बिल्डिंग कभी नहीं देखी होगी अंदर से। लेकिन अगर हम लोग जम्मू के रहने वाले हैं और हमने अपनी जम्मू की धरोहर ही नहीं देखी, हम लोग बिल्डिंग्स और फोर्ट्स देखने जयपुर राजस्थान जाते हैं, लेकिन ये जम्मू का अपनी बिल्डिंग है, अपनी फोर्ट है, हम लोगों की धरोहर है जिसे हम लोगों ने ही कभी नहीं देखा। कसूर किसका है आप सब लोगों को पता है, मेरे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। सरस, आपको कैसा लगा आज आप यहाँ पर आए हैं, यू फॉर यू वॉइस आपको यहाँ पर लेके आया है, कैसा लगा आपको ये बिल्डिंग देख के? सब मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट टाइम, मैंने पहले बताया कि मैं पहले कभी आई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ। और सच में ये छोटा छोटा इनका आर्ट देख कर, किस तरह से उन्होंने डोगरी जी आखते कि कढ़ाई की थी, एक एक चीज़ें की कड़े दा है, मतलब दिखी इं लगता है कि इन्नी खूबसूरत जगह है, लेकिन मेन लगता है कि जम्मू वाले भी इतने कद इसकी दिखने आए होंगे, तो साढ़े बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोगों की तो भुली जाओ, अगर जम्मू वाले ने दिखे तो बाकी वाले कुछ दिखे होनी। अगर ये नहीं चीज़ें बाहर दिखने जाई सकने तो की ना अगर इसकी अस दोबारा बनाचे हैं, एक खूबसूरत बिल्डिंग है, मतलब इधर टूरिस्ट आ ही सकता है और बड़ा इंजॉय कर सकता है, और इधर अगर तो उगे नहीं कोई परफॉर्मेंस वगैरह करवाओ तो लोगों की शैल भी लगना है, और अगर ये सारी चीज़ें जड़िया बची दी रोनिया लोगों की और पता लगना है बारे में। आजकल हम लोगों के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना है कि हम लोग ई पेटिशंस भी फाइल कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो जो हम ई पेटिशंस अगर मोमो बैन की करवा सकते हैं, ई पेटिशन साइन कर सकते हैं, तो हम लोगों को हेरिटेज को बचाने के लिए भी ई पेटिशन करनी चाहिए। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप उस ई पेटिशन को किस तरह से यूज़ करते हैं। चलिए हम लोग आपको हेरिटेज के साथ साथ कुछ इस हेरिटेज के अंदर, इस शेड्स, इस मुबारक मंडी के शेड के अंदर कुछ डोगरी जो है सॉन्ग सुनाते हैं शिवांकुर और सरस भारती की आवाज़ में। तो शिवांकुर कुछ और सुनाइए, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है आप रह नहीं पा रहे होंगे गाए बिना। जी, वो आर्टिस्ट तो रह नहीं पाता हमेशा गाए बिना, तो एक और डोगरी गाना मैं सुनाना चाहूंगा। मैं लौका कड़ू चुक गोरी ए है, लौका कड़ू चुक गोरी ए, हुक ते लचकानी खाए जालक हो, लौका कड़ू चुक गोरी ए है, लौका कड़ू चुक गोरी ए, समली समली पैर टकाया, समली समली
पैर टकाया बटे दे ठेड ने डिग नहीं जाया, बटे दे ठेड ने डिग नहीं जाया, डिगी नहीं जाया। हो अजय चढ़ना है, हो अजय चढ़ना है उचड़ा टक हो, लौका कड़ू चुक गोरिए है, लौका कड़ू चुक गोरिए। थैंक यू, बहुत खूब। ये बिल्डिंग इस टाइम इतनी खुश होगी आपकी आवाज़ सुनके शिवांकुर, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर कोई आता नहीं वीरान बन चुकी है, हम लोग यहाँ पर हैं, आप आपकी आवाज़ सुन रही है ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं, क्योंकि म्यूजिक की अगर बात करें जी तो म्यूजिक अंतरात्मा को छूता है। बिल्कुल, अगर ये बिल्डिंगें भी कहीं ना कहीं अगर जीती जागती होती तो आज ये भी खुश होती, लेकिन वही है, खंडर बन चुकी हैं, वीरान हो चुकी हैं। सरस, आप कुछ सुनाएं अपनी आवाज़ में। एक जोड़ी कढ़ाई दे चुमके, अच्छा चुमके कढ़ाई दे बालू, एक जोड़ी कढ़ाई दे चुमके, अच्छा चुमके कढ़ाई दे बालू, हो तेरे कर, हो तेरे कर, हो तेरे कर ता बसना, हो तेरे कर ता बसना, हो तेरे कर ता बसना। सोन दागे मीना दिखो बाग पिंगा पे दिया, आंडना गुआंडना भी चुटने गिगे दिया, सोन दागे मीना दिखो बाग पिंगा पे दिया, आंडना गुआंडना भी चुटने गिगे दिया। सोन मीना तूर कनेरी तेरे चेते जान बतेरी, सोन मीना तूर कनेरी तेरे चेते जान बतेरी, कि मैं भी चुट हो, मैं भी चुट हो, मैं भी चुटा लाई दसना, हो मैं भी चुटा लाई दसना, हो मैं भी चुटा लाई दसना। मिठे मिठे बोल तेरे काल जैगी खंदे हो, छुट्टी लिए आई जा तू करनी छंदे हो, मिठे मिठे बोल तेरे काल जैगी खंदे हो, छुट्टी लिए आई जा तू करनी छंदे हो। तेरे बाज नी मेरा कोई चट जंदे नैन परोई, तेरे बाज नी मेरा कोई चट जंदे नैन परोई, ओ दुख मड़ा, ओ दुख मड़ा, ओ दुख मड़ा कुसी दसना, ओ दुख मड़ा कुसी दसना, ओ दुख मड़ा कुसी दसना। बहुत खूब। इस टाइम हम गोलघर एरिया में हैं, गोलघर एरिया की अगर बात करें तो सदन जो पोर्शन है मुबारक मंडी का, उसके अंदर ये गोलघर एरिया है। चार अलग अलग स्टोरीज में ये बना हुआ, आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का डिज़ाइन टेक्निकली इतना अच्छा बनाया गया, और 1825 के करीब ये जो बिल्डिंग है जो है तब उसका काम स्टार्ट हुआ था। पूरे 150 साल लगे थे, 150 ईयर्स लगे थे इस बिल्डिंग को बनाने में। अगर हम बात करें महाराजा प्रताप सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह जी और महाराजा रणबीर सिंह जी की, इन तीनों महाराजाओं ने यहाँ पर जो है डिफरेंट फेजेस में जो है इस बिल्डिंग का काम करवाया। उसके साथ साथ अगर बात करेंगे हम इस बिल्डिंग के एस्थेटिक्स की, तो एस्थेटिक्स आप देख सकते हैं, ब्यूटी इस बिल्डिंग की देख सकते हैं, किस तरह से आर्ट अगर आप देखें। ये अगर हम बिल्डिंग के बैक साइड पर जाएँ तो पूरा जो ओल्ड सिटी है जम्मू की वो आपको देखने को मिलेगी। ये सर्कुलर रोड है, अगर हम सर्कुलर रोड से निकलें तो मुबारक मंडी की बैक साइड आपको दिख सकती है। इतनी अच्छी वेंटिलेशन इस पूरी की पूरी बिल्डिंग में है कि यहाँ पे फैन की भी जरूरत नहीं है, इतनी हवा है। अगर आप एम्बियंस में हवा सुन रहे होंगे तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। ये ओल्ड सिटी है, पुराने घर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुराने घर बने होते थे, मतलब जो है पूरी की पूरे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये सारी जो ओल्ड सिटी है ये आपको मुबारक मंडी से देखने को मिलेगी। मुबारक मंडी की बात करें तो गोलघर एरिया सबसे खूबसूरत एरिया कहा जाता है, जहाँ पे जो है जितने भी ऑफिशियल सेरेमनीज वर्क होते थे यहाँ होते थे। आज हमारे साथ शिवांकुर और जो है सरस भारती हमारे साथ हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं इस बिल्डिंग का, कुछ सेल्फीज खींचने में, कुछ फोटोग्राफ्स खींचने में, क्योंकि लोकेशन इतनी अच्छी है कि आप खुद देख सकते हैं बाहू फोर्ट है सामने। जूम करके आपको दिखाएंगे अभी बाहू फोर्ट, बाहू फोर्ट के साथ जो है हर की पौड़ी मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम कई बार जाते हैं। उसके साथ साथ जो है रेलवे ट्रैक भी है, जो कटरा और उधमपुर की तरफ जो ट्रेन जब जाती है जम्मू से, तो पूरा रेलवे ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ बाहू फोर्ट के साथ जो है बाहू गार्डन है, जो बागे बहुत से भी कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर टूरिस्ट जो है शाम के टाइम लोग जो है आते हैं। उसके साथ साथ बलिदान स्तंभ भी आपको देखने को मिल रहा है बैकग्राउंड में। उसके साथ पूरी जम्मू सिटी का नज़ारा आपको यहाँ से मिलेगा, गोल जो है गोलघर एरिया से। अगर ये एरिया
टूरिज्म डिपार्टमेंट इसके ऊपर और जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट इस पे काम करे तो लोग आ सकते हैं इस हेरिटेज को देखने के लिए और इस हेरिटेज का जो है मज़ा ले सकते हैं और जो हमारी ये एक हेरिटेज जो ख़त्म हो रही है उसको जो है फिर से रेनोवेट कर सकते हैं। आज यू फॉर यू की टीम आपको जो है मुबारक मंडी में लाइव जो दिखा रहे हैं, मुबारक मंडी किस तरह से मुबारक मंडी रही होगी पहले और आज मुबारक मंडी की हालत क्या बन चुकी है। हालत इतनी ख़राब हो चुकी है जो आपके सामने है, अगर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एक अच्छी कॉम्प्लेक्स के तौर पर तैयार किया जाए, प्रॉपर लाइटिंग हो, यहाँ पे शाम के टाइम जितने भी हमारे जम्मू के लोकल आर्टिस्ट हैं यहाँ पे परफॉर्म करें और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं डोगरा कल्चर को लेके, चाहे डोगरा फूड है उसको भी यहाँ पे एग्जिबिट किया जाए, लोग यहाँ पर आएंगे, डिफरेंट स्टॉल लगाए जाएं या फिर अंदर या बाहर जो है कैमल राइड या एलिफेंट राइड्स लगाए जाएँ या हॉर्स राइडिंग करवाई जाए तो यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट लोग आ सकते हैं, शाम के टाइम आ सकते हैं। लेकिन पार्किंग के लिए एरिया बना दिया हुआ है, यहाँ पर चाहिए कि लोग जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट काफ़ी बड़े बड़े दावे करती है इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को भी बनाए ताकि जो है हेरिटेज के नाम पे जम्मू कश्मीर जो एक माना जाता है वो जम्मू कश्मीर फिर से इस मुबारक मंडी के नाम से जाना जाए और लोग बाहर से भी आए यहाँ पे इस हेरिटेज को देखने के लिए। यू फॉर यू की ये स्पेशल रिपोर्ट कैमरामैन संदीप सिंह के साथ मुबारक मंडी से।